हैं तीन रेसिपीज, लेकिन एक साथ बना दूंगा। आपको लगेगा कि तीन रेसिपी थी लेकिन एक साथ बन गई। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक बनेगी मूंगफली की चिक्की, जो सबसे कॉमन है। गुड़ और सेंग दाना, गुड़ और मूंगफली, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन ये जो चिक्की है ना, ये सबसे कॉमन है, मूंगफली की चिक्की। दूसरी बनेगी जी तिल के दाने की चिक्की। तिल गुड़, ये कॉम्बिनेशन इस समय बहुत खाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये काफ़ी गर्माइश देता है आपको, और तिल की चिक्की सर्दियों में अगर ना खाई तो भैया क्या किया। तिल की चिक्की के ऊपर लगेंगे पिस्ते, काजू और बादाम, यानी कि ड्राई फ्रूट की चिक्की। साथ में डालेंगे बढ़िया गुलाब के पत्ते, आहा, मतलब गुलाबी चिक्की बनेगी ड्राई फ्रूट वाली, ओए होए मज़ा आ जाएगा। मतलब सिंपल सिंपल रेसिपी है। शुरुआत करते हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, चिक्की तैयार। चलो, स्टेप वन, सारे नट्स को अलग अलग भूनना है, मतलब मूंगफली को अलग भूनना है, तिल को अलग भूनना है, और आलमंड्स और काजू को अलग भूनना है। भुनाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मूंगफली को टोस्ट करना है, यानी कि हल्की आंच पे उसे पकाना है, रोस्ट करना है। वो इसलिए क्योंकि हमने छिलके वाली कच्ची मूंगफली ली है, और वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये चिक्की जो है ना, ये सबसे पहले महाराष्ट्र में बनी थी 1888 में, यानी कि 1888 में मगन लाल जी जो हैं, उन्होंने ये चिक्की बनाने का धंधा शुरू किया अपने बेटों के साथ, और धीरे 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 ये जो बिज़नेस था ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। इनफैक्ट ट्रेन स्टेशन पे से लोग उतर के मगनलाल चिक्की फटाफट लेने आते थे, और उसकी वजह से उनकी ट्रेन भी छूट जाती थी कभी कभी। अब ट्रेन छूटने के कारण उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि सर हमें एक छोटा सा स्टॉल लगाने दो स्टेशन पे, बहुत सारे लोग बाहर आते हैं स्टेशन से, ट्रेन छूट जाती है। तो वहाँ पे पहला मगनलाल चिक्की का स्टॉल लगा। और भी गप्पे मारते रहेंगे। मूंगफली रोस्ट हो गई है, अब इसे हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, फिर हाथों से ही इसे मसल के ना इसका छिलका निकल जाएगा। अब जो छिलका निकालना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिक्की में मतलब छिलका दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो छिलका निकालने का बड़ा आसान तरीका है, और वो तरीका है ये, एक कपड़ा बिछाया जाए और इसको हल्के हाथ से इस तरह से ही मसलना है। मूँगफली ज़्यादा गर्म हो तो थोड़ी देर उसको रख दीजिए। मूँगफली रोस्ट हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप है सेसमे सीड। सेसमे सीड्स हो या मूंगफली हो, हल्की आंच पे ही इसे रोस्ट किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो बाहर से जल जाएंगी, टोस्ट नहीं होंगी, मतलब कुरकुरी नहीं होंगी। सेसमे सीड्स आराम से हल्की आंच में भुन गए हैं। इसका तरीका देखने का यह है कि हल्का हल्का कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें भी निकाल दिया जाएगा। एक तरफ मूँगफली भून दी, एक तरफ ये सेसमे सीड्स यानी कि तिल के दाने भुन गए। अब भुनेंगे जी काजू एवं बादाम, क्योंकि ये बन रही है तीसरी वाली चिक्की, ड्राई फ्रूट चिक्की। इसमें डालेंगे हम काजू। काजू को अगर जब हल्का सा भूनते हैं ना, तो उसकी खुशबू अलग लेवल की हो जाती है। सो आई लाइक दैट। अगर आपको नहीं भूनना है तो मत भूनो, भूनना है तो उसके फायदे ये। अब ड्राई फ्रूट चिक्की बना रहे हो तो काजू बादाम, काजू अखरोट बादाम कुछ भी डाल सकते हो, बट हाँ हार्ड वाले नट्स डालने। तो मैं यहाँ पर एक मुट्ठी जो है बादाम भी कर देता हूँ। काजू एवं बादाम जो हैं एक साथ मिक्स कर लिए गए हैं। अब सिंपल सी बात है भैया, तीन अलग अलग चिक्कियाँ बन रही, तो तीन गुना गुड़ तो लेना ही पड़ेगा ना, मतलब एक कटोरी में एक कटोरी गुड़, तो यहाँ पर तीन कटोरी गुड़ है, इसे मेल्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें अपन डालेंगे दो चम्मच पानी। गुड़ को आराम से हल्की आँच पर मेल्ट किया जाए, बहुत ज़्यादा आँच होगी तो गुड़ जो है फटाफट जल जाएगा, पिघलेगा नहीं, आधा पिघलेगा आधा जल जाएगा। अब चिक्की को और बढ़िया और कुरकुरा बनाने के लिए एक और टिप एंड टेक्निक। अभी तीन कटोरी गुड़ है, उसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से चिक्की जो है वो एकदम कुरकुरी हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया से। और साथ में तीन कटोरी के लिए तीन चम्मच घी। बेकिंग सोडा और घी डालने के बाद गैस बंद, और अब यहाँ पर
थोड़ा सा स्विफ्ट एक्शन होगा क्योंकि तीनों जगह बराबर बराबर डाली जाएगी। अब ये तीनों चिक्की को अलग अलग मिक्स करना है और ये गुलाब के पत्ते जाएंगे ड्राई फ्रूट चिक्की में, लेकिन फ्रेश गुलाब के पत्ते इसे वापस से सौगी कर देंगे। इन्हें अगर सुखाना है इस तरीके से और इनका कलर भी बरकरार रखना है तो इसे एक मिनट माइक्रोवेव प्लेट पे डालें, एक मिनट माइक्रोवेव करें और ये तैयार। अब इसे भी मिला लिया जाए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। एक काउंटर टॉप को अच्छे से साफ करिए या फिर एक ट्रे को या एक थाली को अच्छे से साफ करिए, वहाँ पे तेल या घी लगाइए और उसके बाद एक एक करके इन चिक्कियों को ठंडा होने से पहले इस पे डालिए। अब इसको इसी तरह से चम्मच से थोड़ा सा फैला लिया जाए और फिर प्लास्टिक की पन्नी लगा के जितना पतला चाहो उतना पतला बेलो। बेलने के बाद उबड़ खाबड़ निकालना है तो उसको सिर्फ कटोरी से इस तरह से फ्लैटन। भैया एक ही गुड़ के मिक्सचर से तीन तीन बढ़िया चिक्की तैयार है, मतलब ये तिल गुड़ की चिक्की, ये ड्राई फ्रूट की चिक्की और ये हमारी पीनट की चिक्की, सब तैयार। अब ड्राई फ्रूट वाली को मैंने लड्डू भी बना दिए, वो तो मर्जी है आपकी, घर है आपका, इसे लगाएंगे बढ़िया से। वेल, ये बढ़िया चिक्की हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा प्यार डाला और प्यार है आपके लिए क्योंकि आप बनाते हैं इस फेस्टिवल को स्पेशल। आपकी मेहनत की वजह से पूरा देश इस फेस्टिवल को मनाता है। आज मैंने आपके लिए छोटा सा, बहुत ही छोटा सा तोहफा, और आप सब लोग जो ये देख रहे हैं ना रेसिपी, आप इसे बनाइए और अपने फार्मर दोस्तों को ज़रूर से दीजिए। और जब ये बनाएंगे ना मुझे टैग ज़रूर करना, मुझे पता चलेगा कि आपने बनाई या नहीं बनाई। बनाइए। द बिग डैडी शेफ कुक बुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।